नाम है मानसी जैन और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज की टॉप 10 खबरें। एक बार फिर तेल कंपनियों ने आम आदमी को झटका देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। तो आइए जानते हैं आज क्या है पेट्रोल और डीजल के भाव। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार के लिए पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। तेल कंपनियों ने आम आदमी को महंगाई का झटका देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। आज डीजल के दाम में 33 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 26 से 30 पैसे बढ़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल का भाव 103.84 रुपए और डीजल 92.47 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। पहली बार मुंबई में डीजल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 2.35 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल 3 रुपए तक महंगा हो गया है। त्योहारों के चलते SBI दे रहा है कार लोन सबसे सस्ता। महिंद्रा और ऑडी पर चल रहे हैं बढ़िया ऑफर। अगर आप कार खरीदने का विचार बना रहे हैं लेकिन कम दरों पर कार लोन ना मिलने की वजह से आप इस प्लान को टाल रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल त्योहारों के सीजन में देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सस्ती दरों पर कार लोन दे रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SBI ने बताया कि कार लोन पर 7.75% तक ब्याज देय होगा। इसके अलावा यदि ग्राहक यूनो ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उसे ये लोन 7.50% तक मिलेगा। इसके साथ ही कार लोन को चुकाने के लिए ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार 3 से 7 साल तक के लिए समय ले सकता है। बताया गया है कि ग्राहक रेगुलर कार लोन और सर्टिफाइड प्री ऑन कार के लिए। खास बात यह है कि इस लोन के लिए आपको किसी भी तरह का प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। आमतौर पर किसी भी लोन के लिए बैंक अच्छा खासा प्रोसेसिंग चार्ज वसूलता है। SBI के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 3 दिन तक प्रभावित रहेंगी बैंकिंग ऐप। अगर आप भी SBI के ग्राहक हैं तो ये जान लेना आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि SBI की कई सुविधाएं अगले 3 दिन को समय के लिए बाधित रहेंगी। SBI ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है। SBI की मोबाइल बैंकिंग ऐप्स जैसे योनो, योनो लाइट, योनो बिजनेस और UPI अगले 3 दिन तक प्रभावित रहेंगी। इस दौरान आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को मेंटेनेंस की वजह से ऐप्स की सेवाएं रोकी जाएंगी और इस बीच ग्राहक सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कड़ाके की ठंड के लिए रहिए तैयार, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। इस बार तेजी से गिरेगा पारा। इस बार ठंड का मौसम भी पूरी तरह से सितम ढाने के लिए तैयार है। जी हाँ, ये हम नहीं मौसम वैज्ञानिकों ने ये आशंका जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी और इस ठंड के कारण तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। बता दें कि मानसून की विदाई के लिए अंतिम समय चल रहा है, इस कारण से धूप में हल्की नरमी आना शुरू हो चुकी है। कृषि अनुसंधान संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन सुभाष ने बताया कि इस बार ठंड पहले की अपेक्षा काफी तेजी से पड़ेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को इस बार कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहना चाहिए। ध्रुवीय रेखाएं जब उष्णकटिबंध के नजदीक पहुंचती हैं, तो मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन ही इस बार जोरदार ठंड का कारण बनेगा। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया सवाल, कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों? केरल हाई कोर्ट ने कोरोना सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोट्टायम निवासी एम पीटर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया। याचिका में कहा गया कि कोविड-19 सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर से लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। ऐसे में कोरोना सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, इजराइल और जर्मनी समेत विभिन्न देशों के वैक्सीन सर्टिफिकेट जमा किए जिसमें कहा गया कि इसमें जरूरी जानकारियां लिखी गई हैं, ना कि सरकार के मुखिया की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के IG मनोज सिन्हा से आज मिलेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को मुलाकात करने के लिए आज दिल्ली बुलाया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से ANI ने ये जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में गृह मंत्री अमित शाह मनोज सिन्हा से कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार ने अलग से बैठक की जिसमें जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बता दें कि कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से आतंकवादी लगातार आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में ही आतंकियों ने कश्मीरी पंडित और सिख समुदाय को टारगेट किया है। फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के घर और ऑफिस पर एनसीबी की छापेमारी। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एनसीबी फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के ऑफिस पर छापेमारी कर रही है। इम्तियाज का नाम सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में भी आ चुका है। सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी के वकील अशोक सरोगी ने बताया था कि इम्तियाज ने ही रिया चक्रवर्ती और सुशांत को ड्रग सप्लाई की थी। वहीं कल बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है, जिसके बाद उन्हें अब आधर रोड जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा जब तक उन्हें जमानत नहीं मिल जाती है। आर्यन और पांच अन्य आरोपियों को एक साथ बैरक नंबर एक में बने स्पेशल क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। ये बैरक जेल के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है। हालांकि जेल में ये प्रावधान है कि सजायाफ्ता होने से पहले आर्यन चाहे तो अपने पर्सनल कपड़े पहन सकते हैं। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत आखिर क्यों भड़क रही है सोशल मीडिया पर, आइए जानते हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दोनों नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में है। फिलहाल आर्यन खान कोर्ट में बेल पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी बीच अब ड्रामा क्वीन राखी सावंत भी आर्यन के सपोर्ट में आई हैं। राखी ने आर्यन का सपोर्ट करते हुए एनसीबी पर निशाना साधा है। राखी सावंत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कह रही है, दोस्तों मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज सब मिलकर दुआ करें, आर्यन खान को जल्द से जल्द बेल मिल जाए। मुझे नहीं पता क्या सच और क्या झूठ है, कौन किसे फंसा रहा है। मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग शेर हो तो शेर को शिकार करो, गिरड़ बनकर बच्चे का शिकार मत करो। आगे राखी कहती है, मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि जो छोटे शहर है वहाँ कचरे की डिब्बे में ड्रग्स लेकर बच्चे पड़ जाते हैं, कचरे में मिलते हैं, वहाँ जाकर कोई किसी को नहीं पकड़ता, माँ बाप के बच्चे छिन जाते हैं, कचरे के डिब्बे में लाशें मिलती हैं, और वहाँ जाकर कोई ड्रग एडिक्ट को नहीं पकड़ता। और आर्यन तो सिर्फ शिप में गया था। अपनी इस पोस्ट में राखी ने शाहरुख खान, गौरी खान, सलमान खान, फरहान खान, कुंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है। कई महीनों के बाद काम पर वापस लौटी किरण खेर ब्लड कैंसर से जूझ रही हैं। किरण खेर ब्लड कैंसर से जूझने के बीच किरण खेर कई महीनों के बाद काम पर लौट आई हैं। किरण चंडीगढ़ से सांसद हैं और उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए नए ऑक्सीजन प्लांट्स का इनॉग्रेशन किया है। किरण ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड के जरिए पूरे देश में ऑक्सीजन प्लांट्स का इनॉग्रेशन किया है। चंडीगढ़ को इसमें चार प्लांट्स मिले हैं। मुझे इनमें से दो प्लांट्स का वर्चुअली इनॉग्रेशन करने का मौका मिला है। किरण ने जो फोटो शेयर किया है उसमें वे प्रिंटेड सूट पहनी नजर आ रही हैं और लैपटॉप के सामने बैठी हुई हैं। वहीं किरण को काम पर लौटता देख उनके पति अनुपम खेर ने लिखा, वेल डन। किरण के फैंस ने भी उन्हें गुड लुक देते हुए कई कमेंट्स लिखे। एक फैन ने लिखा, आपको एक्शन में वापस आते देख बहुत अच्छा लग रहा है, हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, देखकर अच्छा लग रहा है कि आप अच्छा महसूस कर रही हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद पहली बार बाहर निकली शहनाज गिल। दिलजीत का वीडियो सामने आने के बाद फैंस ने ट्रेंड करवाया हौसला रख शहनाज। 2 सितंबर को ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद से उनकी लेडी लव शहनाज गिल सदमे से उभरने के लिए लोगों की नजरों से दूर है। शहनाज की फिल्म हौसला रख जल्द ही रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म का बचा हुआ शेड्यूल पूरा करने के लिए आखिरकार शहनाज शूटिंग पर पहुंच गई हैं। सिद्धार्थ की मौत के बाद पहली बार घर से निकली शहनाज को फैंस का खूब सपोर्ट मिल रहा है। हाल ही में हौसला रख फिल्म के लीड एक्टर ने अपनी को स्टार सोनम बाजवा और शहनाज गिल के साथ एक वीडियो शेयर किया है। ये फिल्म एक प्रमोशनल वीडियो है जिसमें तीनों फिल्म के डायलॉग रिक्रिएटर करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में शहनाज और सोनम दिलजीत को पीटते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए एक्टर और सिंगर लिखते हैं, मैंने इसे प्यार किया और इसने मेरे साथ क्या किया। आपको बता दें कि हौसला रख फिल्म 15 अक्टूबर को रिलीज होगी।